भाई इन्होंने बता के कि यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी, गाड़ी फंसवा दी थी यहाँ कीचड़ में। अब अक्षित धक्का लगा रहा ना ना यहाँ भाई, बिल्कुल बहुत बुरी फंस जाएगी गाड़ी। रुक जा, अब चले गया, रेस दिए पिछू, ठीक है, दो तीन दे, चल। ये भाई गाड़ी की हालत, और अलग ही वाइब्स है इस जगह की। देखिए यार, मतलब क्वीन की लापरवाही, गाड़ी खुली छोड़ के, और गाड़ी में चाबी भी है और गाड़ी का इंजन भी ऑन है। ये है गोल्डन फोर्ट सामने, और इसमें हम अभी जाएंगे थोड़ा सा कुछ खाकर। बाल बहुत ड्राई लग रहे थे तो मैंने ये ले लिया, एक आमंड ऑयल। ये भी यार मैंने पहली बार देखा, ये भी शैम्पू के पाउच की तरह है। मैं तो हमेशा बॉटल ही खरीदी, मतलब कहीं पे भी बाहर गया तो बॉटल नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे बॉटल नहीं थी। और अभी हम रुके हैं पकवान रेस्टोरेंट खाने, और एक किंग्स, तीन किंग्स फोन में कर रहे कुछ, एक ही एडिटिंग चल रही है। अच्छा मैं तेल तो ले आया, लेकिन ये तो अभी अक्षित ने बताया मुझे कि ये तो एडोब आलमंड ऑयल है। मुझे लग रहा बिक नहीं रहे सॉफ्टवेयर दिख के, तेल भेजना पड़ गया। हम लोग अभी लंच कर रहे हैं गोल्डन फोर्ट, यहीं पे सामने हर्ष बस वीडियो लाइव करने वाला, और यहाँ पे चल लिया वापस पंजाबी थाली। पंजाब में जाके तुम राजस्थान नहीं खाओ। एक दो तीन चार पाँच छह, और एक और मंगा रहे, दो मरेंगे आज तो छाछ के साथ ही। गाड़ी की तरह लैपटॉप पे बंदा स्विच हो रहा। सॉरी गाइज, वो मैं बताना भूल गया कि जहाँ पे हमने अभी खाना खाया था यहाँ से 10 मीटर पीछे, उसका नाम था पकवान। वो प्योर वेज रेस्टोरेंट था, और मतलब काफी बढ़िया था, बहुत लाइट खाना था, बेहतरीन। तो अभी वीडियो अपलोड हो रही, हर्ष 5 मिनट बाद आएगा, तब तक हम लोग निकल रहे हैं। जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगी फोन करके मिल जाइए, जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक मत छूट करिए, वहाँ तक तो हम कर ही देंगे आज ये, फिर भाग के सीधा। और गाड़ी बंद करके गाड़ी की चाबी ले गई है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा कि सब कुछ पीला है। जैसे एसी भी अगर व्हाइट है ना, उसे भी पीले कलर में कर रखा है। हाँ, और ये बताया कि ये जो पत्थर है ये यहीं मिले हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट, कह रहे तो एक्सपोर्ट हुए। हाँ यहाँ से एक्सपोर्ट हुए। हमारे शहर में भी एक घर है इसी पत्थर का, एक घर है बस, संगम ट्रांसपोर्ट वालों का, अपने ट्रक है मंगवा लिया। नहीं तो यहाँ से हमारे यहाँ ट्रक जाने में एक लाख खाली ट्रक का है। अरे पत्थर कितना महंगा होगा, मतलब हाँ जो तुमने पत्थर खरीदा वो अलग, वो जो ट्रक सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ एक ट्रक पत्थर उसका 1 लाख रुपए, और घर में जितने लगेंगे अब लगा ले तो कितने लगेंगे। ऐसे इम्प्रेस करूंगा अपने होने वाली वाइफ को। मूवी देख कहते हैं हम उसकी, वही नहीं लग रहा है ये जगह। हाँ सेम शमशेरा, शमशेरा वाला ही है। यहाँ 1966 के घर हैं, लोग रह रहे यार इनमें अभी भी। कहना रहते हैं 5000 लोग अभी भी। नाम पता क्या था? लॉयंस ऑफ लव, पैनोरमा जैसलमेर। ये जो कैनन है ये अंग्रेजों के यहाँ से आई थी, और ये बीच में से ना, एक मिनट दिखाऊं, कट लगा हुआ है ये रगट। क्या इसकी हिस्ट्री बता रहा था गाइड हमारा, काट वाट के लाए थे फिर इसे जोड़ा था अलग। इतनी भारी थी, दो पीस में लाए थे। इस रेस्टोरेंट से शाम को जैसलमेर का बेस्ट व्यू आता है, द पैनोरमा रेस्टोरेंट है इसका नाम। और इसके अंदर ये वाली सीट मुझे ऐसे लग रही है कि इसकी लाखों की बुकिंग चलती होगी। ठीक है, आज तो वेट कह रहे काफी कम है। हां वो लेके घड़ी सागर, ये घड़ी सागर लेके जाओ। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं फोर्ट प्लेस म्यूजियम का। टिकट के प्राइस ये लिखे हुए, प्रवेश शुल्क 200 रुपए। ये टेम्पल है अंदर जो शायद अभी बंद है, श्री स्वांगिया टेम्पल, 850 ईयर्स ऑफ जैसलमेर। और यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी भी आए थे विद जया बच्चन 2003 जनवरी में, न्यू ईयर वाले दिन। मुझे वो भी लग रहा है कि वो जो कडमी है एडिटेड है, एडिटेड है ना, मतलब आए तो थे वो, लेकिन उन्होंने शायद कहीं और जगह खिंचवाई होगी तो क्रॉप कर दिया। लेकिन नीचे से देखिए, यही तो फायदा है एडिटर के साथ रखने में। वीडियो लाइव कर चुके, और बाहर इतनी गर्मी है ना भाई, लू 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 लू, मतलब अंदर तो जब से लो पे एसी चल रहा है, और बाहर जाना तो पड़ेगा। ये भी सामान पैक करके निकलते हैं यार। यहाँ का मौसम भी
मेरी एक्स की तरह अनप्रिडिक्टेबल है। अभी तो धूप निकल रही थी और अभी एकदम से बारिश शुरू होगी। कोई नहीं, सिर पे शेल्टर बना के चला जाऊंगा। देखो बारिश हो रही है अब यहाँ पे, एकदम से ही बादल आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं धीरे हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो वो जो आपको वो दिख रहा होगा ना ऑडियो हेडफोन का आइकन, उसके बारे में अच्छे से बताएगा आपको। वो ये है ऑडियो गाइड सीधा, मतलब ऐसा है उसमें ना, ऐसे मतलब 30-40 रहता है। आप बटन दबाओ वहीं के, जैसे लिख रहा है यहाँ पे वन लिखा हुआ ना, वन प्रेस करो, यहाँ के बारे में सब आ जाएगा कि मतलब तुम्हें वैसे वर्चुअल गाइड लेने की। हाँ, वो हेडफोन लगा के गाइड का ही काम करेगा। और वो बाहर मैंने देखा कि उस पर लिखा हुआ था वो हिंदी, गुजराती, स्पेनियोल, फ्रेंच, चाइनीज, इसमें भी है, मतलब हर लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में। हाँ, ये धागा जी भी तो आ गए। जैसे कि यहाँ पे ऑडियो नंबर 2 है, तो इस जगह के बारे में बताएंगे। यहाँ पे सारे आर्मर्स है, ये तलवार, हाथ, ये शंख है ना जिससे कार लगाया करते, ये शायद पुत्तल है। अच्छा, वो नहीं है, गन पाउडर फ्लास्क है, इसमें गन पाउडर लगता है शायद। दो लोग पकड़े के खड़े होते होंगे, कम से कम 6.5 फुट की है ये। वो है फिर हेरा फेरी। दीवान खाना सोने का, यहाँ भी पतली रास्ते हैं, छोटे गेट, हाइट कम। दीवान किसे कहते हैं, मतलब मैं तो गलत सोच रहा था, मैं तो बेड को कह रहा था शायद। दीवान जिसे कहते होंगे गद्दी को, राज गद्दी। यस ब्रो, साथ में पंखा भी रखा। हिस्ट्री बताओ कुछ। ठीक थी, अच्छी थी हिस्ट्री का चैप्टर। ऐसे गेट हमारे यहाँ भी है गाँव में अभी भी। सोर्ड हैज बीन सेंट फॉर द एग्जीबिशन, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। यहाँ सोर्ड रखी थी, मतलब वो कहीं पे भेज दी गई है, लेकिन ये इतना पुराना लग रहा है कि वो शायद हमेशा के लिए एग्जीबिशन में ही रहेगी। हमारे गाँव में भी ऐसी ऊपर की तरफ है ये कुंडलियाँ अभी भी। हमारा गाँव राजा महाराजा हुआ है क्या? नहीं, राजा महाराजा नहीं, पुराने टाइम पे सब कैसी हो गए। हमारे साथ यहाँ पे हमारे पीछे एक फॉरेनर है, तुझे इनकी एक क्वालिटी पता नहीं, तुझे अपनी फोटो खींचते हुए दिखेंगे कहीं, ना किसी को कहेंगे, ना ही सेल्फी लेते, और फोन रियली निकाल लेंगे। जब निकाल लेंगे ना, कुछ बहुत ही अजीब चीज की फोटो ले लेंगे भाई। ये जीतते हैं भाई आंखों से। ये लोग ना हिस्ट्री जानने के लिए ही यहाँ आए हुए। और जो हमारा टाइम चल रहा ना, ये 10 साल पहले गुजर चुके हैं, जो सोशल मीडिया की टॉक्सिक वाली जो दौर है ना, 20 साल पहले वो अगर फोन निकाल लेना खुद की फोटो लेने के लिए कुछ भी, मेरे 4 जूत यही मार दियो। थंबनेल पे जो वो लगा हुआ है ना, PNG, एरो की PNG, ये वो तीर है जो हम सब लेते हैं। कष्ट भी घर से वो रखे हुए, क्या कहे ना, रानी का महल। यार मुझे ये थोड़ा थोड़ा तो याद है, पंखा चलाया करता था मैं रानी के लिए। हमारे एक व्लॉग चैनल में 5 होस्ट हैं, कई बार 5 से भी ज्यादा, और एडिटर 2 हैं, तब जाके व्लॉग निकले। सब इतने आलसी हैं कि जब मैं नहीं कर रहा कभी रचित करेगा, रचित मैं नहीं थक जाएंगे हर्ष करेगा, वो दोनों नहीं करेंगे तो मैं करूंगा, तब जाके एक व्लॉग बने पूरा। ये चमगादड़ पर, अरे रे 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 रे, ओ भैया कितनी थी ये? तो बैटमैन ही था। मैं ये कह रहा था कि उन व्लॉगर्स की हिम्मत है जो अकेले व्लॉग करते हैं। इस सब से ना मुझे शमशेरा मूवी की याद आ रही है ना। बोलो हाँ जी हजूर। कोई भाई हो भाई, मैंने ऐसा कुछ खा लिया कि वो पता नहीं क्या लग गया यार, जा ही नहीं रहा, और मेरे होंठ में दर्द हो रहा बहुत। अरे रात को लव बाइट तो नहीं मार दी मेरे, ये सो रहा था लक्ष्य। तो अभी हम लोग पी रहे हैं नींबू सोडा, क्योंकि बहुत थक गए भाई यहाँ पे। एक तो धूप इतनी है, ऊपर से बहुत ज्यादा घूम के आना पड़ा, पर धूप की वजह से ज्यादा है यहाँ पे ना। अजीब सी गर्मी है, उमस वाली नहीं है, अजीब सी गर्मी है, मतलब इसकी हवा में गर्मी है बहुत ज्यादा। जैसलमेर की आया परदेसी मरे आने, आया परदेसी मरे आने। बहुत शानदार, मजा आया। सबसे फायदे की चीज ये हुई कि भैया ना कॉपीराइट फ्री गाना गाया। अच्छा वैसे है तो ये राजस्थानी फोक ही ना, मतलब जैसलमेर में ही बनाया कहीं और पे? जैसलमेर में गाई की भाई की, जैसलमेर में आप लोग परदेसी आदमी आते हैं ना, उसके लिए गाना गाया है। आयो परदेसी मारे आंगने, आंगने का मतलब आंगन में, बोले तो मीठो लागे, हंसे तो भलो लागे, आयो परदेसी मारे आंगने। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार कलाम।
यहाँ पे एक बारी हवेली भी आज ये भी जल्दी बंद हो रही है तो इसलिए हम गए नहीं। और जैन मंदिर भी 2 बजे बंद हो रहा था, हमें पता नहीं था, थोड़ा 45 मिनट लेट हो गए हम। अब ये सुबह 7 बजे खुलेगा और 2 बजे तक खुलता है। यार मंदिर तो बहुत सुंदर था यार, मतलब मैंने हर किसी से सुना कि यहाँ का जैन मंदिर देखना, विजिट करना, लेकिन ये 2 बजे बंद हो जाता है। लेकिन तो कोई आए तो ऐसे टाइम से आना कि देख लो 7 से 2 है इसके टाइम, वहाँ से लेके और वहाँ तक आगे तक जो गली जहाँ दिख रही है ना वहाँ तक पूरा जैन मंदिर है। और ये कितना पुराना, 1500 साल पुराना। भाई किसी भी टाइम बारिश आ जा रही है, धूप और बारिश, पर जैसलमेर में मुझे भरोसा नहीं था बारिश आएगी। एक मिनट, अक्षित ने शर्त लगाई थी हमारे से, मुझे याद है गाड़ी में, कि जैसलमेर में बारिश हो, बारिश हो रही है, डेजर्ट में देख लेंगे। चल वहाँ देख लें। हिला के दिखा, हिला दू कैसे, आ जा हिला को दिखा दो, आज हिला को दिखा दो। नाम क्या है? गोल्डन फोर्ट। गोल्डन फोर्ट जैसे ही सूर्या फोर्ट है, कोई चंद्रमा फोर्ट नहीं है। आजाद यहाँ पर ने सच में। लेकिन भाई साहब स्टेबिलिटी कमाल की है। भाई इन्होंने बता के कि यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी, गाड़ी फंसवा दी थी यहाँ किचड़ में। अब अक्षय धक्का लगा रहा, नंगे पैर हो गए बाहर। इसका हाथ धुआ, इसे इधर बुला, इधर आ, इधर 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 आ गए। तो ना ना यहाँ भाई, बिल्कुल बहुत बुरी फंस जाएगी गाड़ी। रुक जा, उतरो ना, ना उतरो ना, हर से ऐसे कर, ऐसे बस। हाँ रुक जाइए, पीछे को है रास्ता दूसरा। अब चले गया, रेस दिए पीछे, ठीक है। हाँ दुआ, रुक जा रुक जा, रेस देखता चला रही है, ठीक है। ए जब कम जब तीन पे शीशा नीचे करूंगा वाला, शीशा नीचे करूंगा वाला, दो तीन दे। चल पहले थोड़ी आग गले, आग गले पहले, रुक जा रुक जा, ले एक दो तीन चार, चल 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 चल। कोई सा मदद भी नहीं कर रहा भाई, गांव में से आके कमार के पीछे कर लिया। 50 मीटर रह गया, रुक जा बस, रुक जा बस, चल भाई चल, एक दो चल चल, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। हाँ मोड़ दे, मोड़ दे हैंडल, मोड़ के ले आगे ले, ला किसी ना 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 आगे ले, उस तरफ आगे ले, उस तरफ ले आगे, अपनी तरफ इसके पैर वैर धुलवा दे एक बार। ये भाई गाड़ी की हालत भाई, आज तो क्राउन डिजर्व करे आज तो लड़का, रियल वाला। ये देख कहाँ फंसी थी, आज धसी थी तो बस। ये हमारे टायर्स के निशान है, वो देखो वो पूरा भाई, क्या पता क्या हुआ। हाँ। जब तू लाया ना काट के इस गड्ढे में, तूने बहुत स्लो, मैं भी कह रहा था उधर बीच में चला, इधर से निकल जाते, कौन कौन सबसे मेन गारा है। आज तो कहना दिन खराब ही है। बख्शी तो क्या ही कर रहा यार, लोकल प्रैंक ही कर रहे भाई, ये रास्ता ही गलत है। और ये देखो यार टायर की हालत क्या होगी। अक्षित तो भाई 10,000 का कैश पूरी डिजर्व करे, धू गया ना पूरा, पैर धो ले तू अपने लक्ष्य, चप्पल दी अपने रचित, हो गया क्या साफ, तेरी चप्पल गंदी रह रही है अब भी लक्ष्य। हम लोग वहां असल में गाड़ी उतार भी नहीं रहे थे, हमारे से पहले एक गाड़ी रुकी खड़ी थी, वहाँ यहाँ के लोकल बंदे थे और साइड में गांव वाले खड़े लाइन लगाए। हमने पूछा भाई निकल जाएगी, क्योंकि छोटा सा मड़ का रास्ता था, फिर आगे पूरा रास्ता था, पीछे टूटा हुआ था, तो कह रहे हाँ निकल जाएगी। हमें भी नहीं पता था यहाँ की मिट्टी इतनी चिकनी है। गाड़ी उतरी, उतरते ही 50 मीटर पर धस गया टायर एकदम, और फिर असरे कोई भाई बता रहे इधर कुगड़ लो उधर कुगड़ लो, यूं नहीं भाई उतर के एक बार धक्का लगवा दे कुछ करवा दे भाई। यहाँ से ज्यादा मैं कहीं नहीं देखे ऐसे लोग जो दूसरे का सिर्फ ड्रामा देख के मजे ले रहे, और जब पैर वैर मिट्टी में हो गए ना इसके तो भी नहीं बता रहे, उसके बाद हंस रहे हैं। एक बंदा तो इसके बाद ये बोल रहा है कि अरे निकल लेंगे, अभी भी निकल लेंगे, क्योंकि इन्हें ड्रामा चाह रहा था कि यहाँ गाड़ी वाड़ी फंस जाए, ड्रामा निकले बढ़िया, इन्हें देखने को मजा आए। राजस्थान बहुत सुंदर है, राजस्थान में बहुत सारी चीजें बहुत सुंदर सुंदर है जो हमने व्लॉग बनाए, पर यहाँ पे लोगों का बिहेव यार इतना। और अक्षित ने ये पूछा कि सामने जो पानी भरा हुआ था एक छोटा सा तालाब सा था, कि इसमें धोलू क्या, मतलब इसमें अपने पैर धोलू क्या, कह रहा हाँ हाँ धोलो, और जब ये गया ये धस गया अंदर, फिर असरा, और वो बुढ़ा आदमी था साला। मतलब यहाँ ना उस दिन हम रात में जब होटल में आए, मैंने होटल वाले से कहा भाई यहाँ हमारी बुकिंग है, तो ऐसे देख रहा पहले, यार एक बुढ़ा इंसान ऐसे बिहेव कर रहा,
कोई बच्चा या कोई जवान होता तो उसकी उनकी फंसाई हुई गाड़ी थी, फिर निकलवाने भी नहीं आए। और जब हमने मोड़ी ना गाड़ी हमारी फंस के निकली, तो जो गाड़ी खड़ी थी ना वहाँ, जिन्होंने कहा था ले लो, वो अपने भी गाड़ी मोड़ के चल दिए। मतलब ये देख रहे थे कि इनकी फंसे पहले, और लोकल गाड़ी थी वो जो ये लोगों को ट्रांसपोर्ट करते रहे, वैसे टाइप की गाड़ी थी। अजीब है यार भाई।